नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं VIVIbright के प्रोजेक्टर का। ये कंपनी है और इस कंपनी का प्रोजेक्टर वो हमने परचेज किया है और इसी का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप भी प्रोजेक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसी में हम आपको दिखाएंगे क्या क्या कंटेंट आपको इसके साथ में मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बॉक्स की पैकिंग कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी और ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है इसका और ये काफ़ी भारी भी है। और इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर की क्वालिटी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसके इंटरफेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे कहाँ पर इसमें क्या चीज़ें दी गई है। और इसके साथ में ये कुछ केबल्स मिलती हैं। ये पावर केबल है और ये VGA केबल है और ये RCA केबल है। इनके बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ। और इसके साथ में ये रिमोट दिया गया है और इसके ऊपर कुछ बटन्स दिए गए हैं जिनका काम मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कौन से बटन से क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की बात करते हैं। इसके पीछे आपको कुछ पोर्ट्स दी गई हैं जिनका इस्तेमाल आप इसके साथ में दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑडियो आउटपुट की पोर्ट दी जाती है जहाँ से आप इसके साथ में आप अपना होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में RCA केबल आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको दो USB पोर्ट दी गई है जिससे आप यहाँ पे पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं और जिसमें से आप अपना कंटेंट वो प्ले कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दो HDMI पोर्ट दी गई है, इससे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं या दूसरी HDMI जो भी डिवाइस है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है VGA पोर्ट जिससे आप अपने कंप्यूटर को VGA केबल के मदद से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे पावर केबल लगाने के लिए पोर्ट दी गई है और नीचे इसके पावर बटन दिया गया है जिससे आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर एक फैन देखने को मिलेगा जो कि इसे ठंडा रखने का काम करता है। साइड में आपको इसके लेंस के फोकस को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। जब आप कहीं पर इसकी प्रोजेक्शन करेंगे तो उस समय आपको इन्हें घुमाकर और लेंस का जो फोकस है वो ठीक करना होगा। और ऊपर की तरफ इसमें आपको बटन दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है इसकी पिक्चर क्वालिटी को कंट्रोल करने का और इसकी सेटिंग का। और उसके बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट अप डाउन और एंटर का बटन दिया गया है जिसका इस्तेमाल आप कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए और प्ले करने के लिए करेंगे। उसके बाद में सोर्स का बटन है कि आप इसमें कौन सा इनपुट सोर्स चलाना चाहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे बैक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो उसके बाद में वापस फाइल मैनेजर में जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पे पावर का बटन दिया गया है जिससे आप इसे ऑन करेंगे। यही सभी बटन आपको रिमोट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। रिमोट के ऊपर आपको फ्लिप का ऑप्शन ज़्यादा मिलता है और एक प्ले का ऑप्शन वो ज़्यादा मिलता है। वॉल्यूम के दोनों बटन से आप इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके सामने आपको लेंस दिया जाता है तो जब प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है तो इसके सामने आपको इस लेंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना है, इससे आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। प्रोजेक्टर के नीचे आपको एक छोटा सा स्टैंड दिया जाता है जिससे कि आप प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसकी क्वालिटी वो दिखा देते हैं। इसमें हम पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे क्योंकि पेन ड्राइव में हमारा कंटेंट है। हमने इसके साथ में 2 TB की हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट किया था और उसमें से भी कंटेंट यह बड़ी आसानी से प्ले कर सकता है। लेकिन इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड फॉर्मेट ही प्ले करने होंगे क्योंकि यह सभी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। हम इसमें MP4 फॉर्मेट की वीडियो को प्ले करके देखेंगे और ऑडियो मैं यहाँ पे आपको नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लाउड है। और अगर आप ज़्यादा अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से होम थिएटर या ऑडियो स्पीकर का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि आपको एक हाई लेवल ऑडियो आउटपुट मिलेगी। तो चलिए अब इसे हम शुरू करते हैं। प्रोजेक्टर में आपको यहाँ पे रेड LED दिख रही है तो जैसे ही हम पावर का बटन दबाएंगे ये ग्रीन हो जाएगी तो हमारा जो प्रोजेक्टर है वो शुरू हो गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, आपको फोकस को सेट करने के लिए इसके साइड में दिए गए बटन्स का इस्तेमाल करना है और फोकस को सेट करना है। तो हमने यहाँ पे जो फोकस है वो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सोर्स का जो बटन है वो दबाना है, और यहाँ पे आपको जो सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर आपने यूएसबी से कंटेंट प्ले करना है तो यहाँ पे आपको सोर्स में यूएसबी सिलेक्ट करनी होगी, और यहाँ पे आपको पोर्ट भी सिलेक्ट करनी होगी कि कौन से पोर्ट नंबर की यूएसबी में आपकी पेन ड्राइव या जो भी हार्ड डिस्क आपने कनेक्ट की है वो कौन सी पोर्ट नंबर पर है। तो उसी पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको एंटर की दबानी है, और उसके आगे आपको फाइल मैनेजर की मदद से फाइल को ब्राउज करना है, और यहाँ पर रिमोट पर दिए गए प्ले बटन से आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, या आपको उस फाइल पर जाते ही उसका प्रीव्यू छोटा सा दिखाई देगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि यह सही फाइल है जो आप प्ले करना चाहते हैं या कोई दूसरी है, और एंटर दबा देना है। अगर इस प्रोजेक्टर के बारे में आप कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा जहां से हमने परचेज किया है, वहां पर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।